हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फोरियम में। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और यूपी पुलिस में जो 50,000 लगभग वैकेंसी है ये उसका ऑनलाइन आज स्टार्ट होने वाला है। तो पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन करना है। फिलहाल मैं आपको वैकेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन शॉट करके रखा हूँ तो आपको बता देता हूँ क्या है पूरी प्रक्रिया और क्या है इसका फिजिकल टेस्ट और वैकेंसी से रिलेटेड और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देखिए, 49,568 पोस्ट है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पोस्ट नेम यहाँ पे दो पोस्ट नेम है, जिसका पहला मैं बता दूँ कि कांस्टेबल सिविल पुलिस का है 31,360, जिसका एज लिमिट दिया है 18 से 22 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं मेल कैंडिडेट। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, 10+2 पास रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। और दूसरी पोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड फोर्स, यहाँ पे देखिए दूसरी पोस्ट का नाम है, जिसके वैकेंसियों की संख्या है 18,208, यानी कि कुल मिलाकर 49,568 पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट रहना चाहिए। अब कांस्टेबल सिविल पुलिस कैटेगरी वाइज मैं वैकेंसी की डिटेल कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे जनरल एससी एसटी और ओबीसी, तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का अगर हम डिस्कस करें तो 15,681 है और एससी कैटेगरी का 6,585 और एसटी का 627 और ओबीसी का 8,467 है, यानी कि कुल मिलाकर 31,360 वैकेंसी है। अब कांस्टेबल रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए जनरल का दिया है 9,104, एससी का है 3,824 और एसटी का है 364 और ओबीसी का है 4,916, इसमें कुल मिलाकर है 18,208। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी डिटेल कैटेगरीज वाइज। अब मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के पीईटी के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या फिजिकल टेस्ट में क्या होने वाला है। तो इसमें मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी एसटी के सभीों के लिए यहाँ पे देखिए हाइट 168 सेंटीमीटर रहना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट 168 सेंटीमीटर, और मेल एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और फीमेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मिनिमम रहना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट फीमेल के लिए 147 हाइट मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चेस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए सीना की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी मेल कैंडिडेट का 79 से 84 का मतलब है एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन, फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाने से पहले 79 यानी कि 79 cm रहना चाहिए। मेल एसटी कैंडिडेट को हम देख लेते हैं, यहाँ पे 77 से 82 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा फिजिकल टेस्ट में चेस्ट को। अब रनिंग की यहाँ पे दौड़ की हम देख लेते हैं, तो दौड़ में यहाँ देखिए 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट में, तो बहुत समय दिया हुआ है, 25 मिनट बहुत होता है। और 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है जनरल ओबीसी एससी मेल और एसटी का भी सेम वही है, यहाँ पे देख सकते हैं इस दोनों का जो है दिया हुआ है, आप स्क्रीन शॉट लेके भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं जनरल ओबीसी और एससी का फीमेल कैंडिडेट देखिए 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 14 मिनट में। तो ये थी दोस्तों फिजिकली एलिजिबिलिटी। आज है 19 नवंबर और आज ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह की अगर आपको ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हिस्टोरी अगर आप निकालिएगा तो आपका ये वीडियो दिखा हुआ आपको ये हिस्टोरी यूट्यूब दिखाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और लिंक जो दिया हुआ है वहाँ पे आप एक्टिवेट करें। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण लिंक पे, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ गया हूँ, वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण लिंक दिख रहा होगा, इस टैग में उत्तर प्रदेश पुलिस 1 नंबर में है और 2 नंबर में है ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रणाली क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए द वेब इज नॉट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा एडमिन की तरफ से तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो मैं
हमेशा अप टू डेट रहता हूँ, जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।